हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लाइव वीवीज के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, ये सुजुकी एक्सेस 125 का इलेक्ट्रिक वर्जन है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने कन्वर्ट की है। आप देख सकते हैं कि ये 60 वोल्ट की VLDC मोटर इन्होंने यूज़ की है और सिंगल सस्पेंशन की जगह डबल सस्पेंशन यूज़ किया है और फुल्ली पेंटेड है। बाकी सारा फंक्शन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो फ्यूल मीटर की जगह बैटरी मीटर फिक्स किया है, जो यहाँ पर रिवर्स फॉरवर्ड का भी फंक्शन है, सभी लाइटें LED से रिप्लेस की हुई हैं। बाकी सारे फंक्शन एज इट इज़ हैं। इसका बूट मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पार्सल ट्रे की भी जगह है। यहाँ पर अभी लेड एसिड बैटरी डली हुई है और यहाँ पर एक सेफ्टी के लिए MCB का यूज़ किया हुआ। बाकी सारा फंक्शन सेम है, बस अब इसमें इंजन नहीं है और पेट्रोल भी नहीं लगता है। हमारे साथ में इस गाड़ी के ओनर योगेश जी हैं, जिन्होंने इस गाड़ी को कन्वर्ट कराया है। आइए उनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले योगेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस गाड़ी को कन्वर्ट कराने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? क्या किसी पेपर के थ्रू या किसी ने प्रमोट किया है, या फिर आप खुद एक बहुत पर्यावरण के प्रति हितैषी व्यक्ति हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, आज के बढ़ते हुए पेट्रोल और पेट्रोल के रेट्स की वजह से मेरे मेरे यूज में बहुत एफिशिएंसी फुल रही है ये गाड़ी। और इसका जो मतलब माइलेज है, जो मेरा रोज का कंजप्शन रहता था, 100 रुपीज का पेट्रोल डल ही जाता था, तो उसमें मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। ये मेरा सेविंग रहती है रोज की 100 रुपीज की पेट्रोल की, जो कि मतलब इन साल भर में इसकी कीमत ही निकाल देगी गाड़ी की। बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कन्वर्ट कराने में खर्चा कितना आया था? इसको कन्वर्ट करवाने में सर मेरा 40,000 ऑलमोस्ट खर्चा आया है। अच्छा जी, 40,000 इन्वेस्ट करने के बाद में गाड़ी आप ही की थी या फिर ये? नहीं, ये गाड़ी का अलग था। अच्छा, तो इसमें गाड़ी आपकी थी? गाड़ी मतलब मेरी नहीं थी, अलग से गाड़ी ली थी, 7,000 की गाड़ी पड़ी। तो 47,000 मान लीजिए। ठीक है सर, तो 47,000 में आपको माइलेज इसमें कितना मिल रहा है? ये मेरे को एक चार्ज में 60 किलोमीटर चल जाती है और स्पीड भी ये मेरे को 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है। योगेश जी, आपको कितना समय हो गया इसको कन्वर्ट कराए हुए और लगभग कितना किलोमीटर आप इससे चल चुके होंगे अभी तक? इससे मैं अभी तक मान के चलिए 4,000 किलोमीटर चला लिया। 3 महीने हो चुके हैं, 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। अच्छा, इन 3 महीनों में आपको कोई ऐसी समस्या जो कन्वर्ट कराने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से इसका यूज़ करें, या फिर कोई ऐसी ऐसा कुछ डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? एक्चुअली इसको पूरी बैटरी ड्रेन अप ना करें और मेन चीज़ इसका ज़्यादा ब्रेक का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें इसको चलाते समय, मतलब ब्रेक का कम यूज़ करें। और ज़्यादातर मेनली तो इसको कोई ऐसा तो इशू आया नहीं है जैसे अभी तक मैंने चलाया, मेन चीज़ यही ध्यान रखना चाहिए। और मतलब बैटरी का भी रहता है, जो अपन धचके से ना करें जिससे शॉर्ट हो, ज़्यादा धचकों में ना चलाएं इस वजह से। योगेश जी, आप हमारे चैनल के लिए आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से संबंधित, और आप शायद बहुत लकी हैं जो आपने अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराया। आप हमारे चैनल पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। तो गाइस, ये तो थे योगेश जी, जिन्होंने हमें अपनी गाड़ी के बारे में बताया। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख के जो अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो गाइस, ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक सुजुकी एक्सेस के बारे में छोटी सी जानकारी दी। ये हमारी वर्कशॉप पर आए थे अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर करवाने, तो मैंने सोचा कि इनके बारे में भी इनके भी व्यू थोड़ा सा लिए जाएँ। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए मोटर लाइव वीवी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.